उत्तर प्रदेश असेंबली ఎన్నికల్లో సమాజవాదీ కాంగ్రెస్ పార్టీల పొత్తు ప్రభావం ఉండదన్నారు ఆ రాష్ట్ర బీజేపీ నేతలు 300 సీట్లలో విజయంతో తమకే అధికారం ఖాయమని యూపీ బీజేపీ నేత కేశవ ప్రసాద్ మౌర్య స్పష్టం చేశారు అవినీతి లేని పాలన బీజేపీతోనే సాధ్యమని అన్నారు सपा बहुत घबराई हुई है क्योंकि उन्होंने 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में किया कुछ नहीं है, पाना बहुत कुछ चाहते हैं। जनता इनसे बहुत नाराज है। जिस दिन चुनाव का मौका आएगा, वोट देने का मौका आएगा, जनता इनको 5 साल में जो अत्याचार हुआ है, जो अन्याय हुआ है, जो गुंडागर्दी बढ़ी है, जो अपराध बढ़ा है, इसका जनता बदला लेना चाहती है। और ये कोई गठबंधन लेकर के आवे, चाहे अकेले अकेले आवे, चाहे बिना गठबंधन किए आवे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस का यूपी में वैसे भी कोई वजूद नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी जो तरीके खोज रही है कि किसी तरीके से शायद वह उभर पाएगी, मैं समझता हूं कि ये हाई प्रोफाइल ड्रामे वाली एक पार्टी बनकर के रह गई है। और इस प्रकार के ड्रामे करना, कभी गठबंधन हुआ कभी नहीं हुआ, कभी चाचा भतीजे में झगड़ा हुआ फिर नहीं हुआ, पिता पुत्र में झगड़ा हुआ फिर नहीं हुआ, ये सारी परिस्थितियां, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हम पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक सीटों में जीतने की